अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करने का। तो सो टुडे मैं ये ट्राई कर रही हूँ मोतीचूर का लड्डू। एक कप बेसन लिया है, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है एंड देन वी पानी ऐड करके उसको एक घोल सा बना लिया है, मिक्सचर कर लिया है। और वो बहुत ज़्यादा ना थिक रखा है ना बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल सा रख लिया है, जिसमें जो कि सही से फ्राई हो जाए। फिर हमने इनको पकोड़ों की तरह फ्राई कर लिया है एंड चल देखते हैं कैसे बनता है, आप भी देखें। फ्राई करने के बाद जी हमने एक बर्तन लिया, उसमें 1 कप चीनी डाली है, 1 कप पानी डाला है, फूड कलर डाला है और उसको तैयार कर लिया है, उबाल लिया है पानी में और चाशनी से बना लेनी है। एंड देन जो हमने पकोड़े वाला बेसन था, जिनके हमने पकोड़े बनाए थे, उनको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद चाशनी में डाल दिया है सारा मिक्सचर एंड देन थोड़ा सा फिर उसको पका लिया है, सारा मिक्सचर उसमें डाल के थोड़ा सा पका लिया है और एक थिक सा बैरियर सा थिक सा मतलब बना लिया है, जिससे आसानी से लड्डू बन जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हम पका रहे हैं, यहाँ पे अभी तक इतना थिक नहीं है ना, ये तो लड्डू नहीं बन सकते, थोड़ा सा और थिक करते हैं। अच्छा जी, थिक कर लिया है अभी थोड़ा सा। यहाँ जी इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, यहाँ पे इस तरह का बनाना है एंड कलर देख लें कितना प्यारा आया है। अच्छा जी, अभी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, अब हम लड्डू बनाएंगे। अच्छा जी, मैंने फिल्मों में ही देखा हुआ है, ऐसे फर्स्ट टाइम ही मैं लड्डू बना रही हूँ। आय हाय, क्या लड्डू बन रहे हैं। अच्छा जी, एक लड्डू बन गया है। हाँ अच्छा, इस तरह से हिला के लड्डू बना लेना है और आई एम श्योर आपको मेरे मिठू की आवाज़ भी आ रही होंगी, वो बातें कर रहा है बाहर। एंड अच्छा जी, कितना प्यारा लड्डू बन के तैयार हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। एंड हेयर जी, सारे मेरे लड्डू तैयार हो गए और जो मतलब मैं बोलूं कि बहुत अच्छा बनना था, कमाल था ये वो, वैसे कमाल का तो नहीं था लेकिन अच्छा था, बुरा भी नहीं था। थैंक यू।